विमोचन करवामां आव्युं हतुं। आ पुस्तकना लेखक अनुरिता राठोड जाडेजा छे। जाणीता उद्योग साहसिक अने शिक्षण शास्त्री डॉक्टर मंजुला पूंजा श्रोपना जीवन पर आधारित पुस्तक तमेज तमारा घड़वैया नुं विमोचन अमदावाद खाते आयोजित एक कार्यक्रम में करवामां आव्युं हतुं। आ प्रसंगे डॉक्टर मंजुला पूंजा श्रोप बॉलीवुड अभिनेत्री ने सामाजिक कार्यकर दिया मिर्जा आर आर शेठ पब्लिशर्स ना डिरेक्टर चिंतन शेठ पुस्तकना लेखिका अनुरिता राठोड जाडेजा सहित अनेक महानुभव उपस्थित रहा था। आ पुस्तक अमदावाद ना अग्रणी प्रकाशन गृह आर आर सेठ एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रकाशित करवामां आव्युं छे। आ पुस्तक उद्योग साहसिक अने शिक्षण शास्त्री डॉक्टर मंजुला पूंजा श्रोपना विचारों अने कार्य पद्धतिओ पर एक ऊंडी समज पूरी पाड़े छे। जेओए शिक्षण अने सामाजिक कार्यनी शाळाओ अने संस्थाओ चलावाना कारणे संभावनाओं वास्तविकता में फेरवानी कला ने सारी रीते पकड़वा उपरांत मानव व्यवहार अने व्यवस्थापन सुमेळ साथेनी अद्भुत समझ प्राप्त करी छे। डॉक्टर मंजुला पूंजा श्रोपे पोताना जीवनना एवा रसप्रद पासाओं ने वेंच्या छे ते अनेक लोगों ने प्रोत्साहन पूरू पाड़शे। आ पुस्तक एक एड्यूप्रोच्योर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एवॉर्डी। तो आप थोड़ा ज्यादा बात करोगे उनसे तो आपको पता चलेगा कि उनकी कुछ ऐसी ख्याल हैं, ऐसी बातें हैं विच नोबडी नोज ऑफ। वो जो मुझे पता चला, जैसे इनके साथ कुछ भी बात करो लाइफ के बारे में, फिलोसफी, थ्योरीज, ट्रैवल, लव फॉर ट्रैवल, साइकिलिंग करती हैं, कितनी सारी चीजें हैं जो रोगर को नहीं मालूम। हाँ, रोगर खुद से सीख गई, खुद से सीख गई। हाँ, ये सारी चीजें हैं जो नहीं मालूम। बच्ची थी छोटी, कौन करता है। अब आप खुद सोचिए कि अगर कोई ऐसा है, जैसे मैं खुद ही आजकल एक्सरसाइज करने का एक साल से सोच रही हूँ पर नहीं कर पा रही, शायद मैं इनका वो एक पैसेज अगर पढ़ लूं ऑन कंसिस्टेंसी, ऑन कंसिस्टेंसी, तो मुझे लगेगा कि ओके कर लेना चाहिए, किसी ने किया है। तो ऐसे तो आपको, मैं तो कहूंगी 50-100 नहीं, काफी सारे जेम्स मिलेंगे किताब में जो आपको लगेगा। इसीलिए इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू वुमेन। Of course, she's a woman. I am the one who's a writer and the one who conceived it is a woman. The one releasing it and celebrating it today is a woman. But this book, ki jo aap baatein padhenge, wo that are almost equally applicable to men. Yeah, yeah, absolutely. All of them. And like I said, wo sab heads hain, so it will be easy. कोई भी महिला होती है, उसकी success story सब जानना चाहते हैं। आप ये सब कुछ सीखे ना, वो high करने लगती है ये। What is important to know is one has to learn from failures. This is a big lesson that I learned in my life. I've already said that pre-COVID days, Anurita and me were just meeting for coffee. And जिस तरह से मैं बहुत लोगों को नहीं जानती हूँ, अनुरिता जी को उस तरह से जानती थी as a journalist. So in one of the conversations, it was like there is a whole different side of you. आप उसके बारे में क्यों नहीं बात करते? And we forgot about the conversation. During COVID, the conversation we picked up again. And you know, COVID में थोड़ा time था, I was able to reflect. She always had 1,000 questions that she kept asking, which I kept responding. But I must say this, that जब उन्होंने लिखा एंड द बुक वर पब्लिश्ड, अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स एक्चुअली सेड दैट ऐसा लग रहा है जैसे आप बात कर रहे हो या एग्जैक्टली आपके थॉट्स हैं। एंड देन आई रियलाइज्ड द रोल ऑफ ऑथर इज सो डिफिकल्ट कि आप किसी और के बारे में इस तरह से लिखो कि वो नेचुरली बात करते हो। सो दैट वाज अ वेरी वेरी यू नो आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द सक्सेसेस ऑफ दिस बुक। वी विल टेक क्वेश्चंस इन 2 मिनट्स। But I have to say this, that life stories are a way to teach the world what to learn. Whether you call it a life story or a biography, life stories have to be good. Because our book, Amazon, and online platform Flipkart and Crossword are available. Aapre sir Dr. Manjula Pooja Shroff ne emna profession thi urakhiye chhe. Par chalo, आज आप एक तक जो
કે જે એમના વ્યક્તિત્વ જીવનમાં એક ઝાંખી લીધી. हो जहाँ पे हर जना घर में है, उनसे पूछ रहे हो आप, आपको कुछ करना नहीं पड़ रहा. बिकॉज आई गॉट मैरिड इन माई थर्टीज, मेरी लाइफ वैसी थी. और यहाँ मुझे कोई ऐसा मिल रहा है जिसकी लाइफ 10, 11, 12 से डिसीजन ले रही है, वो घर में हर किसी को, स्टाफ को, सबको बता रही है क्या करना चाहिए. मेरे लिए सोचना वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और डिफिकल्ट भी था. आई फेल दैट इट वुड टेक इमेंस स्ट्रेंथ. बहुत स्ट्रेंथ की जरूरत है जब आपको इस टाइप के डिसीजंस लाइफ में लेने पड़ते हैं, खास करके जब आपके जो एकदम करीबी लोग हैं वो इस दुनिया में ही न रहे. टू फोकस ऑन शेपिंग इट एंड मेकिंग इट मीनिंगफुल. Perhaps मंजुला पूजा श्रॉफ लुक्ड अहेड एंड न्यू देयर वाज नो फॉल बैक. मुझे लगता है कि इन्होंने सिर्फ आगे देखा, विच आई थिंक इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी दैट अ ह्यूमन बीइंग शुड हैव. आगे देखिए, पीछे क्या हुआ है उसको आप पीछे छोड़िए और आगे देखिए, क्योंकि जो पीछे रह गया है, जो हो चुका है, उसको बदला तो नहीं जा सकता. तो ये जो स्ट्रेंथ है, ये कैसे एक इंसान में आई, वो चीज मैं सोचती थी. देयर वाज ओनली द पार्ट अहेड शी कुड बिल्ड एंड शेप. हाउ कुड सच अ लाइफ बी? दीज क्वेश्चंस आई कुड ओनली वंडर. माय सेफ्टी नेट एंड अ प्रोटेक्टेड लविंग चाइल्डहुड वुड ऑफन मेक मी वंडर हाउ अ पर्सन कुड फेस सो मच एट सच अ यंग एज. It was challenging for me and interesting too. Like I said, I felt like an actor getting into the skin of a character whose life had seen various challenges and changes. What gave her the resolve and the vision? इनको जो ये journey, एक इतनी बड़ी journey होती है, उसमें इतने सारे ख्याल और thoughts होते हैं, उनका life story, इतने सालों के उनके decades का experience वगैरह है, तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं संक्षेप में कुछ एक छोटा सा पीस लिख के पढूं आपके आगे, देन उसमें से यू नो इट विल इन ब्रीफ इट विल गिव यू एग्जैक्टली व्हाट द बुक इज ऑल अबाउट. सो देखिए, देयर इज ऑलवेज सो मच टू से व्हेन यू टॉक अबाउट अ लाइफ स्टोरी, फ्रॉम द चैलेंजेस टू द सेलिब्रेशन ऑफ अ लाइफ. उनकी जिंदगी का सेलिब्रेशन, उनके चैलेंजेस, बहुत कुछ होता है लिखने को. चॉइसेस जो बनाते हैं हम, और वो choices जो हम लाइफ में, you know, the choices that we make in life, वो हमें कहीं वो हमारा पाथ आगे का शेप करते हैं. और मंजुला पूजा श्रॉफ की जो जर्नी है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अमेजिंग जर्नी रही है, विथ ऑल काइंड ऑफ एक्सपीरियंसिस थ्रोन इन. दिस कुड हैव बीन इंस्पिरेशनल टू सम ऑफ दोज हु हैड नोन अबाउट इट, जो उनकी लाइफ के बारे में जानते थे. बट परहैप्स देयर वॉज इन इट एन एलिमेंट दैट कुड सरफेस ओनली व्हेन डग अ बिट डीपर. उनकी कहानी में उनसे पूछकर, उनके बारे में जानकर हम बताएं, तो ही चीजें कुछ बाहर आती हैं. आई बिलीव आई कुड डू इट. मोर इम्पोर्टेंटली, मंजुला पूजा श्रॉफ, हु हैज नोन मी एज अ राइटर फॉर क्वाइट अ फ्यू इयर्स नाउ, शी प्लेस्ड फेथ एंड रिगार्ड इन दैट बिलीफ एंड दस बिगैन द बुक राइटिंग जर्नी ऑलमोस्ट ऑन अ सडन सीड ऑफ थॉट रिजल्टिंग फ्रॉम अ वेरी कैजुअल कॉन्वर्सेशन. ओवर मंथ्स ऑफ एक्सचेंजेस वाया ईमेल्स, चैट्स, टॉकिंग, कॉन्वर्सेशंस, and me almost feeling, you know, मुझे एक एक्टर की फीलिंग होती है जब आपको पता, आपको बताया जाता है कि ये कैरेक्टर है, आपको प्ले करना है, उसी तरह इनके बारे में सुनकर, जानकर, इनके ख्याल, एक वो एक्टर वाली फीलिंग आई कि अब मुझे जो है बुक लिखनी है. एंड आई चोज दैट वी राइट दिस बुक इन फर्स्ट पर्सन. तो आप जब किताब पढ़ेंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि वो आपसे डायरेक्टली बात कर रही है. दैट इज हाउ आई हैव रिटन द बुक. एंड जो भी वो मुझे पॉइंट्स बोलते थे, वो पॉइंटर्स मैंने अब्सॉर्ब किए, मैंने इमेजिन किया कि ये सिचुएशन उन्होंने किस ढंग से लाइफ में यू नो सहा होगा या पास किया होगा, और उनके एक्सपीरियंसेस, उनके चेंजेस, उनके एपिसोड्स लाइफ के, फ्रॉम अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फिल्ड चाइल्डहुड टू मूविंग टू डे. દેવ મિશ્રાજી એક ખૂબ જ જાણીતા અને સફળ ભારતીય મોડેલ, અભિનેત્રી, નિર્માતા અને સામાજિક કાર્યકર છે, જે મુખ્યત્વે હિન્દી ફિલ્મોમાં કામ કરે છે. દેવ મિશ્રાજીએ 2000માં મિસ એશિયા પેસિફિક ઇન્ટરનેશનલનો ખિતાબ જીત્યો હતો. તેઓએ પોતાના કારકિર્દીની શરૂઆત રહેના હે તેરે ફિલ્મમાંથી એમના અભિનયની શરૂઆત કરી હતી, અને તેઓ આપની વચ્ચે, આપણી સૌની વચ્ચે અહીંયા ઉપસ્થિત છે. થેન્ક યુ વેરી મચ મેમ ફોર સ્પેન્ડિંગ યોર વેલ્યુએબલ ટાઈમ એન્ડ યુ કમ હિયર ફોર ધીસ સ્પેશિયલ બુક લોન્ચ ઇવેન્ટ. થેન્ક યુ સો મચ. હવે કાર્યક્રમને આગળ વધારતા
उनकी बायोग्राफी, और आप जब इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको कितने सारे ऑलमोस्ट हर पेज में आपको ऐसा लगेगा कि आप कुछ मोटिवेट हो रहे हैं, आपको इंस्पिरेशन मिल रहा है. दैट इज द फीलिंग यू विल हैव, आई प्रॉमिस यू. When you read it, there will be parts that offer you perspective. There will be passages you wish you had experienced. आपको कई चीजों में ऐसा भी लगेगा कि काश मैंने ये चीज एक्सपीरियंस की होती तो कैसा होता, मैं क्या करता, मैं क्या करती. And this is making it, this, you know, her dancing through her journey. मतलब not literally, but जिस ईज से वो अपनी लाइफ को आगे लेती चली गई, बढ़ती चली गई, वो चीज से आपको थोड़ा इंस्पायर फील भी होगा और आप थोड़ा अंदर भी करेंगे. हाउ इट जस्ट यू नो, जो चीज इम्पॉसिबल लगती है वो फिर आपको सडनली कैसे एक एम्बिशियस, एक एम्बिशन लग सकता है कि यस, समबडी वाज एम्बिशियस टू गो अहेड एंड डू व्हाट शी बिलीव्ड इन. बी इन स्ट्रगल्स ऑफ पीपल, डीलिंग मेक्स ऑल द डिफरेंस. You may want to live through pages that motivate with as much ease as you may want to ignore bits and more. Telling this book in first person meant trying to think from the subject's point of view. And so, I would ask her one question, would get its answer, but that led me to further situational and connected thoughts and questions. मैं उनसे एक सवाल पूछती थी, वो कुछ मुझे बताते थे, वहां से हम कुछ और thought process pe nikal padte. Since my parents took keen interest in all that I said and did, it was easy for me to be interested in going through a person's journey. मेरे पेरेंट्स ने जिस ढंग से अपब्रिंगिंग की थी, हमारी बातें सुनते थे, उसी तरह मेरे को पहले से बहुत शौक रहा है. ऑफकोर्स हम सब जर्नलिस्ट हैं यहाँ पे, तो हम जानते हैं कि जब हम किसी से बात करते हैं तो पूरा हमारा इंटरेस्ट होता ही है उनकी लाइफ में. पर मुझे खास एक किसी की लाइफ स्टोरी जानने का बहुत शौक और इंटरेस्ट रहता था. And that is what made writing this book even more interesting. It was a joyous process listening to experiences and thoughts that shaped her life. Thank you. Priya Neha, you are the best in the world. One minute. Screen will be closed. Please. इसके अलावा बहुत सारे जो ग्लोब है मुख्तलिफ डिजाइन और कलर में आपको चैनल से मिल जाएगा. ऐसा क्यों, आपने तो फादर मदर दोनों एक्सपर्ट हो गए ऐसा बोला, तो ये क्या है जानना. जो मेरे पेरेंट्स ने जो नाम दिया था वो मंजुला है. मेरी शादी के बाद में बात नहीं हुई, मेरे जो इन-लॉज में उनका एक प्रथा है कि वो नाम बदल देते हैं जी. तो आप सोचिए कि मैं पूजा प्रथम शौक अगर बन गई होती, मंजुला देवी तो एकदम मिट गई, आई वुड हैव लॉस्ट माय आइडेंटिटी. तो रादर देन गिविंग अप माय नेम, मैंने सेकंड नेम अडॉप्ट कर लिया. दैट्स हाउ आई बिकेम मंजुला पूजा शौक. तो मैं मेरे ही नाम है सर. કેટલા વખત માં પૂરી કરી અને તમે એમનાથી કેવી રીતે લાગણીશીલ થયા કે હું તમારી સ્ટોરી વાર્તા લખું. के द्वारा अब आपको पूरी दुनिया समझने वाली है, तो फीलिंग्स बताइए कैसा है. पता है सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है ना, आपकी खुद की जो बैरियर है, दैट आपकी वनरेबल साइड है ना, कोई दिखाना नहीं चाहता. इतने साल लग गए मेरे स्टोरी लिखने में, राइट, बिकॉज दिस इज नॉट अ वनरेबिलिटी इन द स्टोरी. अब जब आपके एंड एवरीबॉडी हैज दैट, मैंने पहले भी कहा हर एक के लाइफ में है, यू हैव सक्सेस यू हैव फेलियर,
all of us have it. Today I'm very fortunate that she's sitting here talking about my life. You think there's any less in her life? Or any woman here? Woman is not like that, you, because it's a man's world. Yeah. हमें थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है चाहे हम कहीं पे भी क्यों ना हो. She's been around the world. There is a difference between men and women. And I'll tell you, जो हम progressive women हैं, we consider ourselves equal. हमें ज्यादा नहीं चाहिए, हमें कम भी नहीं चाहिए. That's all. So, I just want to say that failure and vulnerability के बारे में लिखा जाना चाहिए. Because Bill Gates का एक बहुत अच्छा quote है, मुझे बोलना पड़ेगा. He says, success is a lousy teacher. Success teaches you not to fail. बट फेलियर जो लेसन सब सीखते हो ना कभी नहीं भूलते. एंड दोज आर द थिंग्स दैट इफ यू डोंट टेल अदर्स विल नॉट लिसन विल नॉट थिंक इट्स ओके. और मेरे लिए खास करके बिकॉज आई लीड यूथ मुझे ये दिखाना है उनको दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट दैट यू फॉल वॉट इज इम्पॉर्टेंट दैट यू गेट अप एंड रन. And how you get up? हाँ, दूसरी बात है कि हमेशा करने के लिए उन्हें सेलिब्रेट करने के लिए और इस उम्मीद के साथ कि आप सब उनकी किताब पढ़ेंगे और उनसे वो चीजें सीखेंगे और समझेंगे जो उन्होंने जिंदगी में हासिल करने के बाद हम सबके साथ शेयर की है. शी इज एक्चुअली तो ये किताब बहुत इंटरेस्टिंगली ये मैम ने लिखी हुई है उनकी जो आजकल ना लोग पूरी पूरी किताब नहीं पढ़ते एंड आई थिंक द पब्लिशर्स एंड द ऑथर है अंडरस्टैंड दैट. तो उन्होंने क्या किया है जो सेक्शंस हैं इनकी लाइफ के और जो इंस्पिरेशंस हैं उनको बहुत इंटरेस्टिंगली छोटे छोटे इंस्टेंसेस में सेपरेट करके अंडर डिफरेंट टॉपिक्स शेयर किए हैं. तो आप किताब का कोई भी पन्ना पढ़ के खोल के पढ़ सकते हो और ऐसा नहीं होगा कि शुरू से पढ़ते होते तो ज्यादा समझ आता है ये वो. सो इट्स अ बुक दैट यू कैन जस्ट पिक अप एंड रीड एट एनी पॉइंट एनी वेयर विच इज एनकरेजिंग क्योंकि लॉट्स ऑफ पीपल डोंट हैव द टाइम एंड द पेशेंस एनी मोर टू रीड अ फुल बुक. सो व्हेनेवर यू फील लाइक अ शॉर्ट ऑफ इंस्पिरेशन यू जस्ट पिक अप द बुक एंड ओपन अ पेज एंड रीड इट. दैट्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग. तो आपका सवाल क्या था? मूवी नहीं बन सकती जो ये फॉर्म में है उस फॉर्म में मूवी नहीं बन सकती. लेकिन मैं इनको इनके मेरे पास बहुत सारे सवाल है जो मैं इनसे करने वाली हूँ और होपफुली ये मुझे जवाब देंगी और शायद मूवी भी बन सकती है क्योंकि इनकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंस्पायरिंग है. आई थिंक यू नो जो जिंदगी के उतार चढ़ाव होते हैं वो सभी के लाइफ में होते हैं चाहे वो रॉयल्टी से क्यों ना हो. एंड दैट टू मी वाज द मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ द बुक कि हम सबको लगता है कि ऑफकोर्स जो जिस परिवार में हम पैदा होते हैं उसमें हमारा कोई से नहीं होता वो मतलब डेस्टिनी होती है बट हाउ वी रिस्पॉन्ड टू दैट is up to us. So that for me is the most interesting aspect. और sections हैं life की जिनकी जो इनकी learnings हैं वो जो accessible बनाती हैं book को. I think किसी भी चीज से प्रेरणा मिलना वो तभी possible होता है जब हम किसी की story से जुड़ जाते हैं. इनके जिंदगी में कुछ ऐसी बहुत सारी वाकयात हुई हैं जिसकी वजह से इनकी जर्नी जो है वो डिफाइन हुई है और उस जर्नी से ही इंस्पिरेशन हमें मिलता है. इनका जो
प्रकृति के तरफ के प्रति प्यार है वो मैं भी मतलब बहुत मानती हूँ प्रकृति में और मैं जानती हूँ उस प्यार को, लेकिन जिस तरह से वो मतलब वो जो सिंपल फैक्ट्स हैं जो शायद बहुत सारे लोग भूल गए हैं उसे जो रिमाइंड करती हैं वो रिमाइंडर्स आई थिंक विल बी वेरी वेरी पावरफुल फॉर पीपल, क्योंकि शायद कोई इनकी किताब उठा ले क्योंकि ये एजुकेशनिस्ट हैं, इन्होंने इतनी सारी इंस्टीट्यूशन संस्थाएं खोली हुई हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, या इन्होंने अपने लाइफ में इतना कुछ अचीव किया है, या शायद कोई उनको बहुत एलिगेंट माने, किसी भी कारण के लिए वो बुक उठा ले, लेकिन वो उठाने के बाद उनको जो लेयर्स है पर्सनैलिटी के जो कैरेक्टर को बनाती हैं वो आई थिंक मिलेंगी, और एंड दैट इज व्हाट आई थिंक वी आर ऑल सीकिंग राइट टू बिकम बेटर। संकेत भाई कुछ अच्छा हो रहा है, बाकी मैं इनको सुबह बता रहा था जब भी मैं अहमदाबाद आता हूँ यहाँ के बड़े पॉजिटिव क्योंकि कुछ पॉजिटिविटी है सिटी में, शाम को भी जाओ सेफ्टी, हम दिल्ली में जाते हैं या मुंबई में जाते हैं कहीं भी जाते हैं तो हर साल जाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा डाउन होता रहता है, भीड़ बढ़ रही है, कचरा ज्यादा बढ़ रहा है, अब थोड़े मोदी जी लगे हुए हैं स्वच्छ भारत तो हर जगह होगा, अहमदाबाद आते हैं तो हर बार कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होता है, कोई नई बिल्डिंग कोई गिफ्ट सिटी कुछ ना कुछ होता रहता है, तो आई थिंक ये देखने में अब तो खैर इंडिया में काफी जगह अच्छी अच्छी चीजें हो रही है, लेकिन मैं आपको थोड़ा कोने इंडिया के बारे में 5 मिनट में बताऊंगा, उसके बाद आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए ये पूरा लिफ्ट है वो सर्वर से क्लाउड कनेक्ट है, नॉट ओनली ये एक सिंपल साउंड एंड लाइट, ये फ्यूचर वेरी एलिवेटेड एक पार्ट है, उसके अलावा मीडिया स्क्रीन है, उसके अलावा रोबोट कॉल एपीआई रोबोट के साथ भी कनेक्टिंग कर सकते हैं, अगर आप होटल इंडस्ट्री है या फिर मेडिकल इंडस्ट्री है वहां पे क्या रहता है कि रोबोट जो है वो सर्व करता है बराबर, तो रोबोट खुद ही ये लिफ्ट को कॉल देगा, मैं ग्राउंड फ्लोर पे आया हूँ मुझे 5th फ्लोर पे जाना है, वो कनेक्टिविटी है ये पर्टिकुलर रोबोट से कर पाएगा, सेम चीज आपका एलिवेटर बोला है भाई, हमें बाहर से या फिर अंदर से कॉल देना पड़ता है लिफ्ट से, हाँ ये करी करी जितना क्लाउड से वो कनेक्ट होगा मैसेज जाएगा ग्लोबली, हम लोग सबसे बड़े एलिवेटर एस्केलेटर कंपनी है नई इक्विपमेंट में और इंडिया में लार्जेस्ट कंपनी है एलिवेटर एस्केलेटर के लिए, हमारे फिनलैंड फिनिश कंपनी है, फिनलैंड इनोवेशन के लिए जाना जाता है, बहुत सारी इनोवेटिव कंपनीज हैं जो फिनलैंड से आती है, नोकिया थी पहले अभी भी है, तो अभी एक्चुअली नोकिया के लोग फोन से बोलते हैं कि उनका मेन बिजनेस नेटवर्किंग नेटवर्क है, 5G अभी जो आ रहा है वो नोकिया के थ्रू अभी कंपनी में आ रहा है, हमारे 5000 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं, अब मैं इनोवेशन की बात फिनलैंड की करूंगा तो हम लोग वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट इनोवेटिव कंपनीज में, अगर आप एलिवेटर इंडस्ट्री में सिर्फ हम है आप देखेंगे 100 मोस्ट इनोवेटिव कंपनीज फोर्ब्स लिस्ट में 8 बार हम लोग आए हैं, और इसलिए इनोवेशन में बहुत फोकस है, लोग कई लोग सोचते हैं एलिवेटर क्या है सिर्फ डब्बा ऊपर नीचे जाना, 100 कंपनीज में आती है टेस्ला माइक्रोसॉफ्ट गूगल, इंडस्ट्रियल कंपनीज बहुत कम है इंडिया से कोई भी, और हम लोग उसमें 100 मोस्ट इनोवेटिव कंपनी इनोवेशन में बहुत फोकस है, हमारे इंप्लॉयज इंडिया में डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जो है हमारी 5400 के करीब है,
50 ऑफिसेज है हमारे कंट्री में। इंडिया से हम लोग साउथ एशिया देखते हैं, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका। तो अभी जो फिलहाल है हमारा शिल्लर और कोटिस मित्सुबिशी, वो मेन कॉम्पिटिटर है। इसमें दो चीजें रहती हैं एलिवेटर में, अगर जिसको जो कई जैसे कस्टमर से बता रहे हैं वो अपनी सब बिल्डिंग्स के लिए नॉर्मली एक ही ब्रांड लेते हैं, तो हमारा अगर आप देखेंगे ब्रांड और जो प्रोडक्ट है, मतलब कार इंडस्ट्री से अगर मैं कंपेयर करूँ तो कहते हैं मर्सिडीज भी हमारे पास है और ऑल्टो भी हमने इंट्रोड्यूस कर दिए। पहले क्या था, हम लोग लोअर एंड नहीं करते थे ज्यादा, अपर एंड में तो सब लोग बोलते हैं अच्छा ठीक है, अगर आपको थोड़ा अच्छा एलिवेटर हाई प्राइस गुड सर्विस के लिए ना, तो कोने ले लीजिए। नीचे वाले जो अफोर्डेबल हाउसिंग में वो सोचते थे, हमने वहां पे भी नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किए, ये मोनो इंट्रोड्यूस किया है, और इसलिए अब हम हमारे पास कम्प्लीट रेंज है, सबसे बड़ा रेंज हमारे पास है। कई दफे एक्सीडेंट हो जाते हैं, लोग फंस जाता है, तो क्या होता है? हमारे टेक्नीशियंस हैं, एक देखिए दो तीन चीजें, हमारा जो एलिवेटर्स हैं वहाँ पे इमरजेंसी रेस्क्यू डिवाइस रहता है, आप पता नहीं कौन से एलिवेटर में फंसे, लेकिन हमारे एलिवेटर में नॉर्मली एक फ्लोर नीचे आता है जो पावर चला के मान दीजिए और दरवाजा खुल जाता है, तो आपका आपको 20 सेकंड के लिए आपको थोड़ा सा वो झेलना पड़ता है, थोड़ा सा झटका लगेगा, अगर हुआ तो नॉर्मली अगर कहीं पावर इश्यू नहीं है नॉर्मली होता नहीं, लेकिन अगर हुआ तो आपका ट्रैपमेंट होगा, लेकिन वो अपने आप ही नीचे आएगा और दरवाजा खुल जाएगा और आप बाहर आ जाएंगे, तो इंट्रैपमेंट आपको पर्सनली नहीं होगा, लेकिन फिर भी एलिवेटर फिर भी ठीक करना पड़ेगा, अगर कोई एलिवेटर में प्रॉब्लम है तो उसके लिए हमारे टेक्नीशियंस आते हैं काफी जल्दी आ रहे हैं। जैसे आपने बताया 24/7 सर्विसेज जो आप ऑफर करते हैं, कुछ प्रेडिक्ट करते कि कुछ फेलियर आएगा, तो उसके पहले हम जाके एड्रेस कर देते हैं, तो वो फेलियर होने का चांसेस बड़ा मिनिमाइज हो जाता है, अब टाइम अच्छा मिल जाता है। और जैसे हमारा डिफरेंशिएशन, हमारी सर्विस हम खुद करते हैं, सर्विस इंस्टॉलेशन खुद करते हैं, तो ये कॉम्पिटिशन की जो आप बात कर रहे हैं, तो हम लोग वन अप है कॉम्पिटिशन इन डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट से लेके इंस्टॉलेशन से लेके सर्विस, मुझे वेयरहाउस हमने इनॉग्रेट किया, सो बिग मैसिव वेयरहाउस, तो ऐसा नहीं है कि कोई मुंबई से सपोर्ट करेगा, पार्ट्स लोकली पार्ट्स आर अवेलेबल टू सपोर्ट द डिलीवरी। दुनिया में जो सबसे बड़ा एलिवेटर है वो जियो सेंटर में, रिलायंस का जो जियो सेंटर मुंबई में, 235 लोग आ जाते हैं इस एलिवेटर में एक साथ, एक कॉन्फ्रेंस रूम से बड़ा किससे बड़ा, तो उसमें बहुत ही अच्छा बना हुआ है एस्थेटिक्स, और सब उन्होंने रिलायंस ने खुद ही ध्यान दिया इसका। हाँ 16 टन का है, और यहाँ पर हमारे करीब 200 के करीब 188 एलिवेटर एस्केलेटर है उसी बिल्डिंग उसी साइट पर, उसमें से काफी 9 और 14 टन के जो अगेन वर्ल्ड के, और तो बिगेस्ट है ये तो 16 टन का है जो पैसेंजर एलिवेटर वर्ल्ड का आते हैं। हाँ, तो दूसरा मैं आपको 24/7 की बात कर रहा था, उसमें हमारे पास DX एलिवेटर यहीं पे वो है, म्यूजिक है उसमें, साउंड है, लाइट है, डिजिटली कनेक्टेड है, जो मैं 24/7 बोल रहा था वो डिस्प्ले पे हमने दिया, अगर आपके पास टाइम हो तो देख लीजिए यहीं पे ही है, उसमें काफी कुछ है, तो आपका ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देता है, जैसे वो एलेक्सा होता है, एलेक्सा ये लाइट दीजिए, वैसे ही है वो भी, और ये इसलिए कि कई लोग 20 फ्लोर 30 फ्लोर 50 फ्लोर में लोग जो जाते हैं उनके पास थोड़ा टाइम रहता है, तो थोड़ा जैसे कहते हैं ना एलिवेटर में कुछ करने को, और आपने देखा होगा एलिवेटर में कई जगह आजकल ग्लास अपने आपको देखने के लिए ग्लास लगा है, उसका रीजन ये है कि क्लॉस्ट्रोफोबिक होता है आपको, बहुत एलिवेटर में घुटन सी होती है, लेकिन ग्लास होता है तो आप थोड़ा सा एंजॉय करते हो अपने आपको देख के, वैसे ही म्यूजिक लाइट स्क्रीन टेम्परेचर क्या है बाहर, ये सब देखने में वो काफी आजकल डिजिटल एलिवेटर तो काफी बेहतर है, तो ये एक बहुत ही पॉपुलर ट्रेंड इंडिया में हो रहा है, फर्स्ट कंपनी फर्स्ट डिजिटली कनेक्टेड एलिवेटर हमने बनाया साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में, चाइना में भी वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट एलिवेटर फैक्ट्री है चाइना में, और वो भी कोने की, यहाँ पर हमारी कैपेसिटी काफी है, और हम लोग स्मार्ट एलिवेशन स्मार्ट एलिवेटर्स और काफी ऑटोमेटेड है इनफैक्ट, मतलब काफी फुल प्रोसेस है कहते हैं, ऑटोमेशन बहुत हाई है इसका। इंडिया टेक्नोलॉजी सेंटर चेन्नई में, यहाँ पे कोई 1200 लोग हैं हमारे पास जो 24/7 मॉनिटरिंग करते हैं, इंडिया के लिए नहीं बाहर के लिए भी, 24/7 मॉनिटरिंग क्या है, एलिवेटर जो है आप अगर कोई एलिवेटर में फंसा 2 मिनट के लिए आप फंसे,
मैं कभी भी मैं भी फंसा हूँ और डर बहुत लगता है एलिवेटर में फंसता हूँ मतलब दो मिनट दो घंटे के बराबर अगर आप 10 मिनट फंस गए तो 20 घंटे दो मिनट पे तो 100 नंबर पे भी कॉल हो गया 101 पे भी हो गया सब सब कुछ हो गया तो एलिवेटर में बहुत जरूरी है कि आपका मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो बहुत शार्प हो तो हम लोग क्या करते हैं हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजी सेंटर में 24/7 मॉनिटरिंग सिस्टम है जो खरीदना पड़ता है कस्टमर खरीदते हैं यहाँ के जो बड़े कस्टमर है वो खरीदते हैं उसमें हम लोग मॉनिटर करते रहते हैं और ब्रेकडाउन पहले हमें पता लग जाता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम मशीन सिग्नल भेजता है दूसरी मशीन कि आपका बेयरिंग में प्रॉब्लम है मशीन में आपका प्रॉब्लम आने वाला है आपको सर्विसिंग चाहिए तो हमारे सर्विस इंजीनियर पहले पहुंच के कर देते हैं तो कस्टमर को पता नहीं चलता कि हम लोग एक्चुअली फिक्स कर चुके हैं तो फर्स्ट कंपनी से हम लोग 24/7 मॉनिटरिंग हमने स्टार्ट किया और ये एलिवेटर इंडस्ट्री के लिए IoT क्लाउड बेस्ड सिस्टम है जैसे आजकल आप वो गूगल मैप से मॉनिटरिंग करते हैं ना कहाँ पे कार जा रही है वैसी है वैसे मॉनिटरिंग और मॉनिटर लोग करते हैं तो ये हम सेफ्टी को सबसे पहले बोलते हैं हमारे सबसे ज्यादा सबसे बड़ी चीज हम बोलते हैं सबसे नंबर अगर आप हमारे किसी एम्प्लॉय से पूछेंगे कि बिजनेस में सबसे जरूरी चीज क्या है वो ये नहीं कहेगा प्रॉफिट हो जाएगा सेफ्टी अगर सब हमारे लोग सेफ है तो हमारा बिजनेस सेफ है तो हम कस्टमर सेफ्टी भी उसी आंकल से देखते हैं मेरा हो जाए मैं अभी इनॉग्रेट किया जहाँ पे बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स हैं तो गुजरात का तो हमें बहुत टाइम हो गया कितने साल हो गए 94 से स्टार्ट किया था अभी जो आप जो लिफ्ट में आए वो भी कोने का ही लिफ्ट है देखा और कौन सी कंपनी कॉर्पोरेट के साथ आपने टाइप किया है बहुत हजारों कंपनी है गुजरात में तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है गोल बिल्डर है शिवालिक है स्वाति है मतलब काफी सारे लॉयल कस्टमर है हमारे जिससे हम लोग कंटिन्यूस बिजनेस करते हैं और इसके साथ साथ फ्री वीडियो है गुजरात में हमारा काफी अच्छा ग्रीन स्क्रीन के ऊपर वर्ल्ड ग्लोब तो अगर आप गुजरात देखो तो ऑलमोस्ट 6000 एलिवेटर काम करते हैं मैन्युफैक्चरिंग किधर चेन्नई में मैन्युफैक्चरिंग है वहाँ पे मैं आपको ऑटोमेटेड फैक्ट्री है 2019 नई फैक्ट्री लॉन्च किया था उससे पहले हमारा जो ओल्ड प्लांट था वो बहुत साल 35 साल से 1984 में जॉइंट वेंचर के साथ वेस्टर्न प्रॉम्प्टन वो कंपनी 1992 में हमने खरीद किया था कोने कॉर्पोरेशन सबसे कोने टर्नओवर आप ग्लोबल टर्नओवर की बात करते हैं ग्लोबली 10 बिलियन यूरो 1 बिलियन उसका प्रॉफिट है इंडिया में क्योंकि बहुत फ्लक्चुएशन है सब तो काफी ग्रोथ ज्यादा है एम्प्लॉइज करीब 5,500 है इंडिया में और प्लस 2,500 के करीब सब कॉन्ट्रैक्टर कौन से स्टेट में ज्यादा करते हैं कौन से मैं ये आपको बता सकता हूँ कि ज्यादा स्टेट में नहीं है जितना बाकी कुछ स्टेट्स में मार्केट डिमांड के हिसाब से जैसे बॉम्बे में बहुत हाई राइज है पुणे में हाई राइज ज्यादा है अब अहमदाबाद में बढ़ रहा है लेकिन इनका ब्रांच बेस्ट ब्रांच था लास्ट ईयर जबकि इनका नंबर्स में थोड़ा कम था लेकिन सर्विस कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंडेक्स हम लोग ये भी मेजर करते हैं हैप्पीनेस इंडेक्स ऑफ एम्प्लॉइज कि एम्प्लॉइज कितने खुश है इनके जो गुजरात में और हमारा दूसरा एक और भी ब्रांच है सूरत तो वहाँ से भी बड़ौदा में ऑफिस है और काफी जगह हमारे और सेटअप तो इसको सबको मेजर करके इनका हैप्पीनेस इंडेक्स एम्प्लॉई हैप्पीनेस इंडेक्स और कस्टमर इंडेक्स काफी अच्छा था लेकिन मार्केट के हिसाब से मेरे ख्याल से दिल्ली मुंबई बैंगलोर हैदराबाद काफी बढ़ रहा है काफी बड़ी मार्केट है I'm managing director Kone Elevators India. Sir, जो Kone की तरफ से यहाँ पे प्रेस में किया हुआ है, सर उसके बारे में Kone अहमदाबाद में आज हमने ये नया ऑफिस इनॉग्रेट किया है जिनके ब्रांच हेड सोरेन है हमारे रीजनल डायरेक्टर भी हमारे साथ हैं जो मुंबई में बैठते हैं और ये ऑफिस इनॉग्रेट किया है इसमें DX वर्ल्ड का जो फर्स्ट डिजिटली कनेक्टेड एलिवेटर है उसको हमने डिस्प्ले किया है और एम्प्लॉय हैप्पीनेस के लिए काफी अच्छा एनवायरनमेंट बना हुआ है दूसरा हमने अपना नया वेयर हाउस जो एक पहले भी वेयर हाउस था लेकिन ये बड़ा वेयर हाउस है जहाँ पे हम ज्यादा पार्ट्स को स्टॉक कर सकते हैं ताकि कस्टमर के लिए कभी भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो सारे लोकल पार्ट्स यहीं पे स्टॉक करते हैं वो वेयर हाउस को भी हमने आज ही इनॉग्रेट किया सर ये कॉनी एलिवेटर मार्केट में क्या कुछ नया लेके आ रही है लास्ट अगर आप 2-3 साल में देखें अगर आप कोविड टाइम में देखें तो हमने
ऐसे डिजिटल कनेक्टिविटी किया जिससे आप टचलेस एलिवेटर्स पे हमने किया था उस टाइम। अब फॉर्चुनेटली इंडिया में कोविड खत्म सा लग रहा है और ना ही आए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अब आप देखेंगे हमने 24/7 कनेक्टेड सर्विसेज लॉन्च किया हुआ था जो हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं एलिवेटर्स को, और IoT के थ्रू, क्लाउड टेक्नोलॉजी के थ्रू हमें पहले पता लग जाता है कि एलिवेटर में कोई प्रॉब्लम आने वाला है तो हम उसको फिक्स कर देते हैं ताकि प्रॉब्लम ना आए। दूसरा, डिजिटली कनेक्टेड एलिवेटर हमने लॉन्च किया है जो फर्स्ट डिजिटली कनेक्टेड एलिवेटर है वर्ल्ड के। उसमें काफी कुछ है, एक तो 24/7 कनेक्टिविटी अरेंजमेंट पूरा है, म्यूजिक एंड लाइट है लोगों के लिए, और आपका बाहर का क्या एनवायरनमेंट है, स्क्रीन लगा हुआ है, ये सब पता लगता रहता है। तो ये हमने आज ना एंटरप्रेन्योर की बातों पर आज है हूं कोई ने कोई यंगस्टर ने को कि 1950 માં આ ભાઈએ ગુજરાત માં આવું કામ કર્યું હતું અથવા કાપડની બિલ કરી હતી તો એ પોતાની જાતને કનેક્ટ નથી કરી શકતો, પણ તમે જ્યારે એમ વાત કરો કે ડોક્ટર મંજુલા પૂજા શ્રોફે આ હમણાં 10 વર્ષમાં 20 વર્ષમાં આ આટલું મોટું સામ્રાજ્ય ઉભું કર્યું છે તો તરત જ એ વ્યક્તિ એ બાળકને એમાં પોતાનો રોલ મોડેલ દેખાય છે। આ શ્રેણીમાં અમે લોકો અગાઉ વર્ગીસ કુરિયન સાહેબની આત્મકથા પ્રકાશન કરી તો ગુજરાતી વાચકો યુવાનોએ એને બહુ સારી રીતે જીવી લીધી હતી। એ જ રીતે ડોક્ટર મંજુલા પૂજા શ્રોફનું જે જીવન જે છે એમનું જે પ્રદાન છે એ એટલું બધું વિરાટ છે કે ગુજરાતના બાળકો માટે, યુવાનો માટે, વાલીઓ માટે એ અત્યાર સુધી જે કોન્ટ્રીબ્યુટ કરી ચુક્યા છે એ ઘણું બધું મોટું પ્રદાન છે। આ પ્રદાનને ગુજરાતી વાચકો સુધી લઈ જવા માટે અનુરાધાબેને જે આ પુસ્તક લખ્યું છે એમના જીવનની અંદર જઈને એ ગુજરાતની જનતાને બહુ જ ઉપયોગી બનશે એવો અમને વિશ્વાસ છે। ભારતમાં શિક્ષણ ક્ષેત્રે ગીજુભાઈના પ્રદાનને લોકો આજે પણ યાદ કરે છે, અમને એવો વિશ્વાસ છે કે ડોક્ટર શ્રોફના શિક્ષણ ક્ષેત્રના પ્રદાનને આવનારા 50 વર્ષ પછી પણ ગુજરાત યાદ કરશે। એટલે ખરેખર હું ખૂબ આભાર માનું છું અને આગળની વાત કરવા માટે આજના એન્ટરપ્રિન્યોર ની વાતો મારો છે। આજે હું કોઈને કોઈ યંગસ્ટર ને એમ કહું કે 1950 માં આ ભાઈએ ગુજરાતમાં આવું કામ કર્યું હતું અથવા કાપડની બિલ કરી હતી તો એ પોતાની જાતને કનેક્ટ નથી કરી શકતો, પણ તમે જયારે એમ વાત કરો કે ડોક્ટર મંજુલા પૂજા શ્રોફે આ હમણાં 10 વર્ષમાં 20 વર્ષમાં આ આટલું મોટું સામ્રાજ્ય ઉભું કર્યું છે તો તરત જ એ વ્યક્તિ એ બાળકને એમાં પોતાનો રોલ મોડેલ દેખાય છે। આ શ્રેણીમાં અમે લોકો અગાઉ વર્ગીસ કુરિયન સાહેબની આત્મકથા પ્રકાશન કરી તો ગુજરાતી વાચકો યુવાનોએ એને બહુ સારી રીતે જીવી લીધી હતી। એ જ રીતે ડોક્ટર મંજુલા પૂજા શ્રોફનું જે જીવન જે છે એમનું જે પ્રદાન છે એ એટલું બધું વિરાટ છે કે ગુજરાતના બાળકો માટે, યુવાનો માટે, વાલીઓ માટે એ અત્યાર સુધી જે કોન્ટ્રીબ્યુટ કરી ચુક્યા છે એ ઘણું બધું મોટું પ્રદાન છે। આ પ્રદાનને ગુજરાતી વાચકો સુધી લઈ જવા માટે અનુરાધાબેને જે આ પુસ્તક લખ્યું છે એમના જીવનની અંદર જઈને એ ગુજરાતની જનતાને બહુ જ ઉપયોગી બનશે એવો અમને વિશ્વાસ છે। ભારતમાં શિક્ષણ ક્ષેત્રે ગીજુભાઈના પ્રદાનને લોકો આજે પણ યાદ કરે છે, અમને એવો વિશ્વાસ છે કે ડોક્ટર શ્રોફના શિક્ષણ ક્ષેત્રના પ્રદાનને આવનારા 50 વર્ષ પછી પણ ગુજરાત યાદ કરશે। એટલે ખરેખર હું ખૂબ આભાર માનું છું અને આગળની વાત કરવા માટે and strengthening of the young
एंड प्रोग्रेसिव इंडिया ऑन्टरप्रेन्योरियल जर्नी बिगन यंग शी हैज बीन अ मैनेजमेंट एट विद्यालय ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इन अहमदाबाद एंड लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स शी इज मंजुला प्रजा श्रॉफ अ विजनरी एजुकेटर एंड एंथुसियास्टिक लीडर एंड अ मोटिवेटर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स Conversations with your children can meet any hurdle in their path to development and progress. Conversations can act as a mentor guidance and provide encouragement to boost their self-esteem. Discipline comes first. Why does the word discipline normally bring images of scolding and shouting to mind? We normally assume the tantrums are a toddler's domain. The tantrums are a tool to get what the child wants.